कितने पैसे लगते हैं एक प्रिंट आउट के वहां पर। तो ये देखो यही है एंट्रेंस। मेजर रीजन यू नो होपफुल है चूज करने का रादर देन यूनिवर्सिटी, क्योंकि दो दो तीन तीन साल लग जाते हैं क्लियर करने में ही। पब्लिक यूनिवर्सिटी में पास होना एक बहुत बड़ी बात होती है। जो थर्ड सेमेस्टर विच इज दी लास्ट सेमेस्टर फॉर अस, पैसे कमा के लोन चुकाना है एटलीस्ट जो लोन पे आए हैं। गार्ड जो है वहाँ पर सबसे ज्यादा कंपनीज हैं। लो ये जो है बिब्लियोटेक का रास्ता है, यहाँ पर बुक्स पड़ी हैं तुम्हारे लिए। एक यहाँ पर सारी बुक्स जो है वो जर्मन में होती हैं, डिवाइडेड है सेक्शन, सो इन कंप्यूटर से भी तुम जो है सर्च कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर फोटोकॉपी मशीन्स लगी हुई हैं। एक चीज ये है कि वो जो लाइब्रेरी है उसके अंदर ही हम जाके अपना प्रिंट आउट वगैरह निकाल सकते हैं। तो तुम्हें दिखाता हूँ और तुम्हें बताता हूँ कितने पैसे लगते हैं एक प्रिंट आउट के वहाँ पर। जो निपटाते हैं वहाँ पर भी जाके तुम्हें दिखाता हूँ कैसे चलते हैं। नीचे आ गए हैं, यहीं से आ जाए, यहीं से आ जाए। अरे तो ये देखो यही है एंट्रेंस। यहाँ से जो है हमारे कॉलेज की जो है ये एंट्रेंस थी। यहाँ वॉशरूम बना हुआ है जो कि तुम्हें बहुत कम देखने को मिलेगा जर्मनी में। साले बंद कर देते हैं हर टाइम, और साले करने को तो वॉशरूम में भी खुले मिलेंगे नहीं तुम्हें जो बाहर पब्लिक वाले होते हैं, क्योंकि ये लोग गंदा कर देते हैं तो ये लोग बंद ही कर देते हैं, बोलेंगे घर जाके साले। चलो चलते हैं आगे, बताता हूँ तुम्हें। यहाँ धीरे बोलना पड़ता है यार, कोई बैठा हुआ हो तो सुना देगा बिना बात के। देख मैं यहाँ पर कनेक्शन है, तो यहाँ पर HDMI केबल जो है आप कनेक्ट कर सकते हो अपने। ये जो है बिब्लियोटेक का रास्ता है, ठीक है दिख रहा है ये बिब्लियोटेक का। यहाँ पर यहाँ बहुत छोटी सी एक लाइब्रेरी इन लोगों ने अलग से बना रखी है, सो दैट HFT के स्टूडेंट्स को इजी रहे यहाँ पर। जो मतलब नॉट दैट छोटी, बट हाँ ठीक है। मतलब अगर तुम अभी एक और दिखाऊंगा उससे तो बहुत छोटी है एक्चुअली, ठीक है। ये जो लाइब्रेरी है वहाँ अंदर नहीं जाते हैं ना, क्योंकि अंदर बैठा है लोग बैठे हैं तो वीडियो बनाना पता नहीं क्या ही बोलेंगे। सो यहाँ नहीं जाता मैं तुम्हें। ये देखो वो जो तुम्हें रास्ता दिखा रहा था पीछे का, वो रास्ता यहाँ से आता है और यहाँ से और बिब्लियोटेक का बना हुआ है। अंदर अभी नहीं जाते यार, क्योंकि यहाँ पर अभी सुना देंगे बिना बात के पागल। जो है यहाँ पर वो डिवाइडेड है सेक्शंस, अलजेब्रा हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जिससे मैं काफ़ी दूर रहना पसंद करूँगा। ऐसी जो है कुछ यहाँ पर लाइब्रेरीज हैं, यहाँ पर बुक्स पड़ी हैं तुम्हारे लिए। एक जो चीज़ मैंने नोटिस की है वो ये है कि यहाँ पर सारी बुक्स जो हैं वो जर्मन में होती हैं। आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं है मुझे ये चीज़ है भी सही है या नहीं है, बट हाँ मैंने ये चीज़ नोटिस करी है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ बुक्स एक्चुअली, और सारी जो हैं वो जर्मन में है, पता नहीं क्यों। जो इंग्लिश कोर्स लेके आए हैं उन लोगों का पता नहीं क्या ही होगा। सो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर लिखा है कंक्रीट मैथमेटिक्स, बट अगर मैं भी शायद अंदर जाऊँगा तो ये वाली शायद इंग्लिश में है। परफेक्ट, वाह इंग्लिश में मिल गई हमें बुक। सो ऐसे करके कुछ कुछ जो बुक्स हैं वो इंग्लिश में हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर इन जर्मन। ऐसे जो है यहाँ पर पूरा बना हुआ है सीन, यहाँ पर तुम अपना काम भी कर सकते हो साथ साथ। और ऐसे जो है यहाँ पर डिवाइडेड है सेक्शन, सो तुम्हारे लिए इजी रहेगा कि तुम्हें कौन सी बुक ढूंढनी है। सो रादर देन जस्ट सर्चिंग फॉर द बुक, अंदर जाके यू गाइस कैन सिंपली कम हियर एंड यू कैन सी एग्जैक्टली इस पूरे स्टैक में कौन सी बुक्स पड़ी हैं। कंप्यूटर ये वाले ओके मैंने ट्राई नहीं किया एक्चुअली, सो इन कंप्यूटर से भी तुम जो है सर्च कर सकते हो। यहाँ पर इंग्लिश में आई थिंक कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसको, यस वी कैन डू इट। सर्च को हमने इंग्लिश में कन्वर्ट किया, यहाँ पर कैटलॉग है, सर्च है, ठीक है। अब यहाँ पर ओके HFT का सिस्टम स्लो है यार, वो तो हम एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं, पूरे जर्मनी का स्लो है।
सो यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं इंफॉर्मेटिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेट्स सी कुछ मिलता है तो ठीक है। इन्होंने अपना खुद का आई थिंक एक सॉफ्टवेयर बना रखा है जिसमें रिजर्व्ड है सब कुछ। ओह तो यहाँ पर बुक्स वगैरह मिल जाएंगी और यहाँ पर लोकेशन जो अभी यहाँ पर मेंशन नहीं है बट आई थिंक कि अलग अलग तरीके की बुक्स जो हैं वो तुम्हें मिल जाएंगी जो इनके पास अवेलेबल हैं। एंड देन आई थिंक यू गाइस कैन ऑल्सो गो फॉर एन ऑडियो बुक, दैट्स अमेजिंग ब्रो। ऐसे करके जो है चीज़ें हैं, सो लेट्स गो, चलते हैं, दिखाता हूँ तुम्हें। और तो क्या ही दिखाऊँ अब इसके ऊपर जाके, बुक्स ही बुक्स होंगी यहाँ पर। यहाँ लिफ्ट बनी हुई है, ये तकरीबन आई थिंक ये भी 5 फ्लोर्स की है लाइब्रेरी जो है, ठीक है। यहाँ पर डिवाइडेड है सेक्शंस में अलग अलग। जो है एग्ज़ाम्स अभी स्टार्ट ही होने वाले हैं एक्चुअली, मुझे याद आ रहा है इन लोगों के एग्ज़ाम तो चलते हैं भाई, इन लोगों का कोई सेमेस्टर ब्रेक कोई दिन ही मान नहीं है इन लोगों। ये देखो यहाँ पर फोटोकॉपी मशीन लगी हुई हैं, सो यहाँ पर हमको अपना कार्ड जो है वो इंसर्ट करना होता है। देखो यहाँ पर यूनिवर्सिटी के कार्ड लगे हैं, सो ये मैंने जो है अपना कार्ड इंसर्ट किया, ठीक है। और इंसर्ट करने के बाद आई कैन परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस व्हिच आई वांट टू। देखो चालू हो गया ये ऑटोमेटिकली, मशीन पूरी चालू होने लग गई है। और यहाँ पर ऑप्शंस आ गए, एक प्रॉब्लम है ये इसको इंग्लिश में करने में टाइम लगता था बट आज हो गई जल्दी। यार इंग्लिश में होती था जर्मन में करते थे, उधर नहीं होती यूनिवर्सिटी वाली। तो ये देखो यहाँ पर पूरा कॉपी है, तो यहाँ पर ऐसा है और बस कैंसिल ऑपरेशंस। तुम ये भी कर सकते हो कि तुम यहाँ पर क्या है वो कौन गया है यूटिलिटी क्लोज, एक यहाँ पर ऑप्शन है व्हाट यू कैन डू इज कि तुम मेल आईडी पे भेज सकते हो और मेल आईडी पे भेजने के बाद तुम्हारा जो है, देखो अभी 10 यूरो भर पाए थे, 10 यूरो है अभी भी। कार्ड आ गया, इट कैन नॉट बी यूज्ड, ऐसे जो है साइन सीन चलता है। आइटनरी क्या होता है भाई, निकलो और जाके घूम के आओ। तो यार गाइस ये जो था एक छोटी सी अच्छी क्यूट सी यूनिवर्सिटी थी हमारे जिसमें हमारा काम हो जाता है यार। सो रीज़न जो है मेजर रीज़न यू नो होपफुली चूज़ करने का रादर देन यूनिवर्सिटीज, उसका मेजर रीज़न यही है कि तुमने देख लिया डिफरेंस भी तुम्हें दिख रहा होगा कि बड़ी से कितनी छोटी है, ये कितनी छोटी दिख रही है। और यूनिवर्सिटीज अगर तुमने देखे हो तो बहुत बड़े होते हैं जनरली, और सेम वैसे ही वहाँ की पढ़ाई भी होती है और वहाँ का सिलेबस भी होता है। सो और एक्चुअली जो अप्लाइड साइंसेज जो है ना यार, ये यूनिवर्सिटीज़ ये क्या है मेजरली फोकस करती हैं कि तुम्हारा काम जल्दी से होए, तुम्हारा प्रैक्टिकल नॉलेज मिले और तुम सीधा फटाफट जाओ और कॉरपोरेट में काम करो, ये पढ़ते ही मत रहो। वेयर एज यूनिवर्सिटीज़ में तुम्हें डिफरेंस दिख जाएगा कि लोगों के 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं क्लियर करने में ही। इसलिए बोलते हैं कि जर्मनी में यू नो पब्लिक यूनिवर्सिटी में पास होना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यहाँ के सिलेबस इतने बड़े होते हैं और जो क्वेश्चंस होते हैं, जो एग्जाम्स होते हैं वो भी टफ होते हैं। टफ क्यों होते हैं, क्योंकि जो सारे क्वेश्चंस हैं वो सिचुएशन बेस्ड होते हैं मोस्टली। हमारे भी एक्चुअली सिचुएशन बेस्ड ही थे, तो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, टीयू और अप्लाइड साइंसेस अलग होते हैं। एग्जैक्टली, तो मुश्किल होता है। तो टीयूज में बस वही रहता है कि क्योंकि कोर्स इतना वास्ट होता है तो लग जाते हैं। हमारे में भी होते हैं मतलब, बट आई वुड से कि हमारा कंपैरेटिवली थोड़ा इजी था, बिकॉज अगर वहाँ देखा जाए कि यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, तो एक पहली बात तो सिलेबस बहुत वास्ट होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। हमारे में आज तक इतने सब्जेक्ट्स नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे सिर्फ मेजर 2 सेमेस्टर्स हैं जब हम पढ़ाई करेंगे, और उसके बाद जो थर्ड सेमेस्टर विच इज़ दी लास्ट सेमेस्टर फॉर अस, उस सेमेस्टर में हमको क्या करना है कि बस हमारे को पेपर लिखना है। क्या लिखना है हमारे को थीसिस लिखनी है हमारी,
मास्टर थीसिस लिखनी है तो आइदर वो हमारी किसी उसके साथ लिख सकते हैं, हमारे प्रोफेसर या कॉलेज के साथ, या फिर हम किसी कंपनी में काम करते टाइम भी लिख सकते हैं। सो ये जो है मेजर डिफरेंसेस थे, और दैट वाज द ओनली रीजन हमने ये चूज किया, बिकॉज यहाँ पर जो है पासिंग परसेंटेज भी ज्यादा है, अच्छा है कि जल्दी करके निकलेंगे और सीधा काम करेंगे, बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी यहाँ पर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, उन लोगों का एम तो वही है ना यार कि तुम्हें पढ़ाई लिखाई करके तुम्हें अपना काम स्टार्ट करना है, अपनी जॉब स्टार्ट करनी है और पैसे कमा के लोन चुकाना है, एटलीस्ट जो लोन पे आए हैं। कुछ होते हैं अमीर लोग, ओ नहीं तू भी तो लोन पे आया सॉरी। तो बस वही एक रीज़न था सबसे बड़ा कि यहाँ पर होक्सले चूज़ किया था रादर देन किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते, बिकॉज यूनिवर्सिटी में आई थिंक दो में कितने में मिला था हमको एडमिट, मुझे दो में मिला था, तेरे को भी दो तीन में ही मिला था, तीन में, तो वही दो तीन में ही हमारे। अच्छा हाँ तूने हेडलबर्ग में भी तो अप्लाई किया था, हाँ तो हमको वही दो तीन में मिला था, बट वही वाली बात है कि वहाँ जाने का सीन नहीं है, और ऑब्वियसली स्टुटगार्ट जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कंपनीज हैं आपको जो मिलेंगी, वो बात अलग है अभी तक जॉब नहीं लगी है, बट स्टुटगार्ट में सबसे ज़्यादा कंपनीज हैं, तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज भी हैं यहाँ पर। वो डिपेंड करता है यार एक्चुअली कि तुम्हारे क्या स्किल सेट है और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पर, जर्मन आती है नहीं आती, बहुत सारे हैं, वो मैंने किसी डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे जॉब से रिलेटेड। तो अपन यहाँ पर बस इतना ही था। सो अगर तुम्हें वीडियो जो है वो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक दे देना, नीचे सब्सक्राइब का बटन जो है वो डेफिनेटली क्लिक हो जाना चाहिए यार, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी करो, ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस जो हैं, इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं मैं बनाता रहूँगा। और कमेंट एक छोड़ जाना तुम्हारा फीडबैक, जो भी जैसा भी तुम्हें लगता है कि कैसी थी वीडियो, और फिर उस हिसाब से मैं इम्प्रूव करने का ट्राई करूँगा। बने रहिए टेक्निकल टपरी पे।